guys, good morning. This is Sunday. Finally, मैंने अभी decide किया कि मैं properly, regularly vlog करूँगी पहले की तरह because I am missing you guys a lot. और कितने दिन हो गए हैं सच में. It's been a while कि मैंने ठीक से vlogging ही नहीं की है, which I really love, enjoy doing it. तो थोड़ा सा हनुमान भजन चल रहा है, just put it low. यस, तो अभी मैं आई हूँ. बस अभी अभी मैंने बाफ किया है और पूजा करके जल्दी जल्दी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया क्योंकि पूरी फैमिली ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई थी. तो उस टाइम पर मैंने कुछ नहीं किया, बस अब नहा कर आकर ब्रेकफास्ट करने बैठ गई पूजा करने के बाद. किचन भी ऐसे ही मेस पड़ा है, बर्तन भी ऐसे ही है, सब्जियाँ बस निकाल कर रख दी है, थोड़ी सी हवा लग जाए. व्हाट इज दिस, ये गंदा कर दिया. हे गाइस, तो ये है मेरी आज की सब्जियाँ. मेरे हस्बैंड सुबह सुबह चले गए थे मार्केट में सब्जी लेने के लिए, तो वो कुछ सब्जी लेकर आए हैं. ये है पाचीसो, सम गार्लिक, ये है बटर गार्ड, लौकी, वन कैबेज, एग प्लांट है, देन सम फ्रूट्स हैं इसमें, एप्पल और पेयर है बिकॉज पाइनएप्पल, और थोड़े से बनानास पहले से थे मेरे पास. ये है कोरिएंडर और उसके नीचे हैं खैसो, और चिकन लेकर आए हैं और सम जिंजर है इसके साथ. चिकन मैंने साइड में निकाल दिया है, उसको मुझे मैरिनेट करना है वॉश करने के बाद, तो वो अलग मैंने रख दिया है. ये थी मेरी लिस्ट आज की जो मैंने हस्बैंड को लिख कर दी थी, वो वैसे ही वापस लिख कर आके मुझे दिया है उन्होंने वापस कर दिया है. एंड ये पाइनएप्पल है, ये उन्होंने मुझे कुछ थर्सडे या फ्राइडे को ला कर दिया था, जो मैंने अभी तक कट नहीं किया है, ये मुझे आज कट करना है. तो आज ये बच्चे खा सकते हैं फ्रूट्स. और इसके बाद मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना है आज, क्योंकि आई एम फीलिंग सो गिल्टी कि लास्ट वन वीक हो गए और मैंने एक भी दिन वर्कआउट नहीं किया. मैं क्या बताऊँ, एक तो बच्चे बीमार थे उसमें पूरा टाइम चला जाता था, मतलब बच्चों की देखभाल करने में, उनको टेक केयर करने में, और इसके बाद खुद के लिए बिल्कुल 5 मिनट्स निकाल कर मैं थोड़ा सा कुछ योगा करूँ, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लूँ, बेंड कर लूँ, ये बिल्कुल नहीं हो पाता था. एंड तो आज हस्बैंड घर पर है तो मैंने उसको कहा है कि यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, ताकि मैं थोड़ा सा कुछ योगा, कुछ स्ट्रेच, कुछ एक्सरसाइज कर लूँ. और मुझे पता नहीं मुझे वो भी टाइम मिलने वाला है या नहीं, बट मुझे जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ तो करना है आज, मुझे मतलब प्रोडक्टिव डे है. I'm so sorry, it's so dark, or right now outside is also very gloomy because it was raining and very windy outside, and I'm so sorry I couldn't able to vlog anything after that. You know, itna productive day tha, itni sari cheeze karni thi. Jaldi jaldi husband ne kaha ki chalo bahar ka terrace bhi wash kar dete hain, then jo Hanuman dhacha hai ye bhi wash kar diya, dishes, khana pakana, and किचन काउंटर पूरा वॉश करना है. एज़ यूजुअल संडे है, और इसके बाद मैं फिर बच्चों के लिए नैप, और उसके बाद तो मैं भी इतनी टायर्ड हो गई थी कि इवन आई वेंट टू आफ्टरनून नैप टुडे. और इसके बाद अभी बस उठे हैं, अभी मैंने अपना मिल्क फिनिश किया है और
बिकॉज़ आई एम नॉट टेकिंग कॉफ़ी एनी मोर। हाँ, वंस इन अ मंथ ऐसे एकदम बहुत ज़रूरी होता है तभी, अदरवाइज नो। और आज देख सकते हो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ, मैं पूरी भूत लग रही हूँ। और बिकॉज़ पूरा दिन बस काम काम करने में ही चला गया था, कुछ भी नहीं किया है। मम्मी से भी बस थोड़ी देर बात की और उसके बाद कुछ भी नहीं बात कर पाई, बहुत काम था, बहुत टायर्ड हो गई हूँ। मेरा डिनर पका हुआ है, चिकन करी एंड राइस, तो मुझे कुछ पकाना नहीं है अभी के लिए। एंड बस कपड़े हैं फोल्ड करने हैं हमेशा की तरह, और बच्चे दोनों जाग गए हैं। एंड अब देखते हैं और आगे क्या होता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 एंड वी आर गोइंग टू हैव आवर डिनर। बस अभी जाके मुझे गर्म करना है डिनर, और पहले बच्चों को देना है, फिर हस्बैंड को देना है, फिर खाना है। तो देखते हैं क्या होता है। किचन में खाना ऑलरेडी पका दिया है मैंने, कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। माय गॉड, इतने सारे कपड़े थे, थैंकफुली बच्चों ने हेल्प किया, काफ़ी हेल्प किया। एंड आई वॉन्ट टू लाइट माई कैंडल बिकॉज ये मेरे को हमेशा ऊपर की तरफ में शेल्फ और अलमारी में रखना होता है।
गाइस यही है हमारा संडे इवनिंग डिनर के बाद बच्चों को चेंज कर दो जैमीज में और उसके बाद ऑयलिंग कर दो क्योंकि एवरी मंडे मॉर्निंग पे हेयर वॉश करती हूँ, हस्बैंड हेयर वॉश करते हैं तो संडे नाइट को ही हम जैसे चंपी कर देते हैं सबके बालों में, मैं सबके बालों में चंपी कर देती हूँ लाइन से। सबसे पहले तो मैं अपने बालों में करती हूँ फिर मैं लाइन से सबके करती हूँ। तो बस यही है हमारा संडे इवनिंग। अब इसके बाद थोड़ी देर टीवी देखकर हम सो जाएंगे और आपसे मैं मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, शो सम लव प्लीज। बाय बाय।